फिजिक्स का क्लास 10 का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा, अभी तक हमने पिछले पार्ट में क्या देखा, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखी, मतलब कि हमने ऑप्टिक्स शुरू कर दिया था। तो ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले हम अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई है उसमें रिफ्रैक्शन यूज होती है। रिफ्रैक्शन कैसे, रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, हमने लेंसेज देखे थे, कन्वेक्स लेंस देखे थे, कनकेव लेंस देखे थे, जिसमें हमारी लाइट आती है और लेंस के थ्रू वो आके रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो उसमें आगे ट्रांसमिट हो जाती है, जिस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जो हमारी आईज हैं, हमारी आईज के अंदर एक नेचुरल लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, वो हर एक बंदे की आई में होता है, और वो जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। तो इसीलिए, क्योंकि आईज के अंदर कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें जितना भी सारा पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हमें ह्यूमन आई समझना है, तो उससे पहले कि जितनी भी हमारी रिफ्रैक्शन की वीडियोज हैं, हमें उसको कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम ह्यूमन आई पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ह्यूमन आई में हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई में सबसे पहले हमें उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके जो मेन पार्ट्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वर्किंग और उसकी अकोमोडेशन, ये बहुत मेन पार्ट है, और बोर्ड्स में ये 10 मार्क्स कवर करती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले ये मान लो कि ये हमारी ह्यूमन आई है, ये आई है जो हमारे स्कल में यहां की तरफ लगी होती है। तो जो आई होती है, जो हम इसको बाहर से देखते हैं, हमें बस इसका छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। जो छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होता है, उस आई के हिस्से को हम कहते हैं कॉर्निया। और जो ये आई है, ये पूरी, ये जो हमारी आई बॉल है, अगर मैं इसको आई बॉल मान के चलूं, ये जो पूरी है, इसका जो डायामीटर होता है, इसका डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे इस एरिया में सिचुएटेड होती है ऐसे, ठीक है। तो इतना सा हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा होता है, और जितना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होता है आईज का, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहले कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया हमारी आईज का वो हिस्सा है जिसके थ्रू जो लाइट है, लाइट केवल इस कॉर्निया के थ्रू ही एंटर कर सकती है, लाइट केवल हमारी आईज में इस कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, और विच मेक्स अस इनेबल टू सी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो कॉर्निया का काम क्या है, इट हेल्प्स अस, मतलब कि ये हमारी आईज में लाइट एंटर करने का काम करती है, ये एक तरीके की कवरिंग है, कवरिंग है जिसको हम आई लिड से कवर कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो ये आई बॉल है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, ये एक हार्ड शेल से, एक हार्ड शेल से ढका हुआ होता है, हार्ड शेल जो कि सिलिका का बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इतना हिस्सा छोड़ के ये जो पूरी जो मेरी आई है, जो मेरी सर के अंदर है, ये एक हार्ड शेल जो कि सिलिका का बना हुआ है, उससे कवर होता है। इतना हिस्सा केवल हमारा सिलिका से कवर नहीं होता, और इसका काम ये होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर और चीजें हैं, उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, जो फॉरेन मटेरियल हमारी आई में एंटर कर सकता है, उससे बचाता है, और ये हमारी आईज को डैमेज होने से भी बचाता है, जो ये हार्ड शेल है सिलिका का, जो इस आईज के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ह्यूमन आई चीज क्या है। कई लोग ये कहते हैं ह्यूमन आई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं लाइट देख पा रहा हूं, वॉल्स देख पा रहा हूं, ये कलर देख पा रहा हूं, मार्कर देख पा रहा हूं, हर कोई ये सोचता है कि ह्यूमन आई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। आईज एक ऐसा यंत्र है, आईज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे जो ऑप्टिकल एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, हमारे कॉर्निया से आके एंटर करती है, और वो लाइट एनर्जी हमारे रेटिना पे जाके टकराती है, और रेटिना के पे जाके क्या है, जो वो ऑप्टिकल एनर्जी है, दैट ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाके एक सेंसेशन पैदा करती है, और उस सेंसेशन की वजह से ही हम देख पाते हैं। जो वो सिग्नल भेजती है ना, जैसे कि ऑप्टिकल एनर्जी आई मेरी आंख में और मैं अभी इस चीज को देख पा रहा हूं, वो इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऑप्टिकल एनर्जी मेरे रेटिना पे जाके उसने कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना पे जाके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन तारों के थ्रू, जिन तारों को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व,
ऑप्टिक नर्व। इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में ट्रेवल करती है और ब्रेन में जाने के बाद एक सेंसेशन पैदा होती है और उस सेंसेशन को ही हम कह सकते हैं कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारी आंखें खुली हो तभी हम देख पाए। तो आंख एक इंस्ट्रूमेंट है जो केवल ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये हमें देखने में मदद नहीं करती, देखने में मदद करता है हमारा ब्रेन या ये ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो आईज के जरिए हम केवल अपनी ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है, वो ब्रेन में जाके एक सेंसेशन पैदा करती है और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये भी समझा सकता हूं कि अगर हमें देखना है तो हमारे लिए आंख होना जरूरी है या नहीं है। अभी जो मैंने बात कही है, मैंने ये कहा है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट करती है ऑप्टिकल एनर्जी से, तो अगर हमारे पास आंख नहीं है तो हम देख सकते हैं उसके बिना भी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हम सारे क्या है, हम सारे सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं ना। अच्छा, जब हम ड्रीम्स देखते हैं हम सो रहे होते हैं और जब हम सो रहे होते हैं हमारी आईज क्लोज्ड होती है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम बिना आंखों के भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने के लिए ब्रेन के अंदर एक सेंसेशन पैदा होनी चाहिए और वो सेंसेशन वो हमारी ब्रेन में ही पैदा होती है। जब हम सो रहे होते हैं हमारी आंखें बंद होती हैं और तब भी हम सपने देखते हैं, जो विजुअल्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, जो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में होते हैं वो विजुअल्स हम देख सकते हैं ना। Which means कि आईज बस क्या कर रही है, जो हमारे आसपास चीज है उसकी जो ऑप्टिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बाकी सारा काम तो ऑप्टिक नर्व और ब्रेन और उसके थ्रू सेंसेशन होती है एंड वी एंड इट इनेबल अस टू सी। तो हम पार्ट बाय पार्ट हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर आई। इसके जो मेन पार्ट है वो है हार्ड शेल, कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, आई लेंस। जो ये आई लेंस है ये हमारा नेचुरल लेंस है जो कि कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ठीक है, अब वन बाय वन हम इस चीज को क्लासिफाई करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो आंख है इसमें एक एक पार्ट का क्या क्या काम है, किसका क्या क्या फंक्शन है।